दोस्तों, हम गैलेक्सी S20 लाइनअप के बारे में अब तक सब कुछ जान चुके हैं। हमें इसकी डिटेल स्पेक्स के बारे में पता है और ये भी पता है कि ये देखने में कैसा दिखाई देगा। पर दोस्तों, अभी तक एक ऐसी चीज बची हुई थी जिसके बारे में हमें नहीं पता था, वो थी इसकी प्राइस, जो दोस्तों थैंक्सफुली आज चेंज होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, पहली बार गैलेक्सी S20 की प्राइस का कोई र्यूमर आया है और वो भी किसी और से नहीं, मैक्स वाइन बैग से। तो दोस्तों, सबसे पहले ये गैलेक्सी S20 के वेरिएंट्स होने वाले हैं जो सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे गैलेक्सी S20 अल्ट्रा को छोड़कर जितने भी वेरिएंट्स होंगे उनके 4G और 5G वेरिएंट दोनों अवेलेबल होंगे और गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का सिर्फ एक 5G वेरिएंट ही होगा। तो दोस्तों, जिन प्राइसों का र्यूमर आया वो 5G वेरिएंट की है, 4G वेरिएंट की नहीं, और वो यूरोप की प्राइसेज हैं। तो ये बात दिमाग में जरूर रखना। तो दोस्तों, ये रहे गैलेक्सी S20 के 5G वेरिएंट्स की प्राइसेज। तो दोस्तों, गैलेक्सी S20 होगा वो 900 से 1000 तक कॉस्ट करेगा और गैलेक्सी S20 प्लस 1050 से 1100 तक, और जो S20 का अल्ट्रा वेरिएंट होगा उसकी 1300 प्राइस होगी। हाँ दोस्तों, मुझे पता कि ये इनसेन प्राइसेज है, पर आप अपना दिमागी संतुलन खो बैठो, उससे पहले मेरी ये एक बात जरूर सुन लो। दोस्तों, सबसे पहले तो ये 5G वेरिएंट की प्राइसेज है, जो 4G वेरिएंट होगा वो इनसे कम कॉस्ट करेगा, जो 100 से 150 यूरो तक कम हो सकती है। और दोस्तों, ये जो UK की प्राइसेज है इनमें वैल्यू एडेड टैक्स भी एड हो जाता है, AKA FAT। जो US की प्राइस होती है उनमें ये टैक्स इंक्लूड नहीं होता। और दोस्तों, मेरे मुताबिक इंडियन मार्केट के लिए गैलेक्सी S20 के वेरिएंट्स की ये प्राइस होंगी। और दोस्तों, ये बात याद जरूर रखना, ये 5G वेरिएंट की प्राइस है, 4G वेरिएंट की नहीं। और जब हम 4G वेरिएंट की बात कर ही रहे हैं तो यूनाइटेड स्टेट में इसकी ये प्राइस होंगी और इंडिया में ये हो सकती है। और दोस्तों, यहाँ पे गैलेक्सी S20 अल्ट्रा की प्राइस को गेस करना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि ये रूमर आ रहे हैं कि इसका कोई 4G वेरिएंट नहीं होने वाला, सैमसंग इसका सिर्फ एक 5G वेरिएंट ही बना रहा है। और दोस्तों, आप में से कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी S20 के 5G वेरिएंट्स को उन कंट्रीज में लॉन्च करेगा क्या जिनमें अभी तक 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बात है कि ये 5G ओनली तो है, पर इसके साथ ये 4G नेटवर्क पे भी काम करेगा। तो दोस्तों, वो इसे श्योरली हर एक मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। अगर आपकी कंट्री में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है तो भी आपकी कंट्री में ये लॉन्च होगा। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि जो गैलेक्सी S20 अल्ट्रा होगा वो 1300 यूरो कॉस्ट करेगा, ये मेरे मुताबिक 1100 से 1200 यूरो तक कॉस्ट कर सकता है। पर दोस्तों, फिर भी ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। और दोस्तों, इसी कारण मुझे ये लग रहा है कि इसका मे बी एक 4G वेरिएंट भी होगा उन कंट्रीज के लिए जिनमें अभी तक 5G इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन कंट्रीज के लोगों को बिना किसी कारण 150 ज्यादा पे करने होंगे। तो दोस्तों, आई होप वो इस गैलेक्सी S20 अल्ट्रा का एक 4G वेरिएंट भी लॉन्च करे। और दोस्तों, इन सब को देखते हुए अगर आप ये पूछोगे कि गैलेक्सी S20 के वेरिएंट्स की प्राइस क्या होंगी, तो दोस्तों मेरे मुताबिक इंडिया में 4G वेरिएंट्स की ये प्राइस होंगी और 5G वेरिएंट्स की ये, और हमें इसके बारे में पक्का तो 11 फरवरी को ही पता चलेगा जब ये डिवाइस लॉन्च होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और ऐसी न्यूज के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना।